नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। इनकी एज 49 ईयर्स है और ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं। और अपने बारे में, इनका कुछ प्रॉब्लम है फाइनेंशियली और फैमिली से रिलेटेड, उनके बारे में ये सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। तो एनालिसिस हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं कि उनके साथ मेरा कुछ बातचीत हुई, क्योंकि बहुत दिन बाद मैंने थोड़ा समझा कि थोड़ा पास्ट एनालिसिस करना चाहिए इस फॉर्म का, तो मैंने किया। पहले हम लोग उसको देख लेते हैं एक बार। तो मैंने उनसे ये पूछा, क्या आपके ये जॉब ट्रांसफरेबल है, क्या जॉब जन्म स्थान से दूर मिला है, क्या आपकी मैरिड लाइफ में डिससेटिस्फाइड हैं आप, ठीक है। तो इनका आंसर क्या क्या आया, तीन सवाल ही मैंने पूछे इनसे, क्योंकि यही तीन मेन प्राइम सवाल थे जो मुझे जानना चाहिए था। उसके बाद हम लोग इनके सवाल की ओर ध्यान देंगे जो अलग है। तो ये इन्होंने कहा कि हाँ, जॉब ट्रांसफरेबल है, ठीक है। अब इसको थोड़ा ट्विस्ट देखिए कि इनका जन्म स्थान से कैसे दूर इनका जो है नौकरी की जगह हुई ना। इनकी जो पापा परिवार थे, पहले गंगानगर से बिलोंग करते थे, लेकिन उनके पापा के जॉब मेडिकल ऑफिसर थे, तो चीटागांव कहीं और हैं जहाँ पे उन्होंने पोस्टेड हुआ, और वहीं पे मतलब चीटागांव पे इनका जन्म हुआ, ठीक है। बाद में ये गंगा सागर में अपना ट्रांसफ़र करवा लिए इनके जन्म के बाद, ठीक है। और क्या हुई कि ये जॉब तब से ये वहीं पर रह रहे हैं, और इनका जन्म जो जॉब है वो भी गंगा सागर में ही मिली है, मतलब जन्म स्थान से अल्टीमेटली दूर ही जाके इनका जो है कैरियर अच्छा हुआ और इनको नौकरी मिली अच्छी, ठीक है। ये फाइनेंशियली बहुत परेशान है बता रही है, हाँ क्यों बता रही है वो भी हम लोग बात करेंगे। और एक जो सवाल था कि अब मैरिड लाइफ से डिससेटिस्फाइड है, वो इन्होंने यहाँ पर खुल के बता दिया कि मेरी बीवी से बनती नहीं है, ठीक है, सिर्फ बेटे के लिए उसके साथ रह रहा हूँ। तो इस बात को समझिए कि कितनी डिससेटिस्फाइड है ये अपने मैरिज लाइफ को लेकर। तो ये जो सवाल है ये मैंने उनको पूछा, उसके सारे राइट जवाब आए, क्यों आए, पाम में क्या क्या इंडिकेशन है, चलिए उसके बाद उसको हम लोग एनालिसिस में देखते हैं। पहले समझ लेते हैं पाम की खासियत क्या है। रेक्टेंगुलर शेप पाम है, बड़ी साइज़ की है, मतलब ये लोग कौन सी जॉब करते हैं, जो जॉब सिटिंग जॉब हो, जहाँ पे फिज़िकल मेहनत बहुत ज़्यादा ना हो। बड़ी साइज़ की पाम है तो लंबे समय तक मेहनत ये कर पाते हैं। और ये हेड क्लर्क है, ठीक है, मतलब क्लर्क थे पहले, उसके बाद इनको प्रमोशन मिली और ये हेड क्लर्क बन गए। तो क्लर्क का जॉब क्या है, सिटिंग जॉब ही है, वहाँ पे कोई भी फील्ड वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पाम के अनुसार बिल्कुल हमें इनका एक्यूरेट जॉब मिल चुकी है। दूसरी, मैंने पहला सवाल पूछा था कि आपका जॉब ये ट्रांसफरेबल है, क्यों मैंने पूछा कि इनके जॉब ट्रांसफरेबल होनी ही चाहिए, क्योंकि इनके माइलेज छोटी है। माइलेज छोटी मतलब क्या है, परमानेंट काम ना होना। परमानेंट काम क्या होती है, एक ही ऑफिस में बैठ के आप, एक ही जगह पे बैठ के आप पूरी ज़िंदगी भर तक काम करें, ठीक है। तो और ये ट्रांसफरेबल क्यों पूछा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की इंडिकेशन है तो ट्रांसफरेबल ही होनी चाहिए। ट्रांसफर से क्या होती है कि आपकी जो माहौल है वो पलट जाती है। देखिए, पाम की जो लाइन होती है ना, वो गवर्नमेंट प्राइवेट नहीं बताएगी, वो ये नहीं बताएगी कि आप किसी के साथ रिलेशन बना रहे हैं शादी के बिना या शादी करके रिलेशनशिप बना रहे हैं, वो सिर्फ रिलेशनशिप ही बताएगा। वो यही बताएगा कि आप किस तरीके का काम करेंगे, वो ये नहीं बताएगा कि आप गवर्नमेंट के करेंगे या प्राइवेट में करेंगे। अगर ये प्राइवेट में जॉब करते तो ये जॉब छोड़ते, हर दो तीन साल में ये जॉब चेंज करते, लेकिन गवर्नमेंट का कर रहे हैं जहाँ पर जॉब छोड़ने की इनकी इच्छा भी नहीं, ज़रूरत भी नहीं, तो क्या होती है, इनकी जॉब ट्रांसफरेबल हो जाती है। ये एक जगह दूसरी जगह घूमती रहती है, मतलब इफ़ेक्ट एक ही है कि आप इधर से उधर जाए, कॉज अलग अलग है, ठीक है। दूसरी चीज़, इनका जो जॉब लगी हो या फिर कैरियर में जो भी प्रोग्रेस हुआ, जॉब लगे कुछ भी हो, वो जन्म स्थान से दूर क्यों होगी, जहाँ पे ये जन्मा है उनसे दूर क्यों होगी, क्योंकि इनकी जो मेन फेथ लाइन है, पाम में एक ही फेथ लाइन है, वो लाइफ लाइन से उठ रही है, ये कम्फर्ट जोन को दिखाती है, ठीक है ना। बहुत सारे जगह पे मैं बता चुका हूँ, बहुत सारे एनालिसिस में बता चुका हूँ, कुछ कुछ यूनिक एनालिसिस है मेरी जो आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगी, ना ही कोई किताब में दिखेगी, ना ही किसी और, अगर कोई कॉपी करता है कोई और पामिस तो दूसरी बात है, लेकिन कहीं पे भी आप सुना नहीं होगा, लेकिन ये 100% हमेशा ही सही होगा। क्या चीज़, ये माइंड लाइन वाली बात, आप परमानेंट तरीके से काम करेंगे या ट्रांसफरेबल होगा या टेम्पोररी करेंगे, जॉब छोड़ते हुए करेंगे। दूसरी चीज़ ये कम्फर्ट जोन वाली बात, ठीक है, ये हमेशा ही आपको जन्मस्थान से दूर जाने के बाद ही सक्सेस मिलेगी। आप जन्मस्थान से रह जाएंगे, आपको बड़ा सक्सेस नहीं मिल पाएगा, जितना सक्सेस आपको होना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। अगर आप जन्मस्थान से जाते हैं, जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए थी उससे भी ज़्यादा मिल सकता है अगर आप कम्फर्ट जोन में हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरी चीज़। तीसरी,
इनकी रिलेशनशिप मुझे अच्छी नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी? क्योंकि यहाँ पे सैटर्न और जुपिटर के बीच में यहाँ पे उभरापन है और हार्ट लाइन से बहुत सारे लाइन फॉल हो रही है। ये क्लियर कट इंडिकेशन है एक डिससेटिस्फाइड मैरिड लाइफ को लेकर, ठीक है। और यहाँ का जो मेन लाइन है, यहाँ पे अगर कोण बना के इस तरीके से लाइन गिरती है तो सबसे ज़्यादा डैमेजेबल होती है, जो यहाँ पे ये साइन बन रही है। तो ये सारे साइन ये सब कुछ बताती है। अभी हम लोग ओवरऑल पाम की ओर चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। फिंगर्स जो है, थंब जो है मोटी है, पाम के रेक्टेंगुलर शेप पाम है उसमें थंब मोटी है, जिनके कारण क्या होगी, ये डोमिनेटिंग नेचर के रहेंगे, ठीक है। ये थोड़ा डोमिनेट करना ज़्यादा पसंद करेंगी। फिंगर्स सारे के सारे क्रॉक है, मतलब सारे के सारे टेढ़ा है। देखिए फिंगर सीधी नहीं है, ये सामने की तरफ क्रॉक है। तो जब भी सामने की तरफ क्रॉक हो ना, अब दूसरों से, अपने रिलेटिवों से, जो भी हो, भाई हो, बहन हो, वाइफ हो, बच्चे हो, ठीक है, कोई भी रिलेटिव हो, उनसे थोड़ा आपका जो है तालमेल वो बनी नहीं रह पाती है, ठीक है। वो टाइम टाइम पे बिगड़ती रहती है। हाँ, टाइम टाइम पे सुधर जाएगी क्योंकि रिलेशनशिप है, लेकिन मोरल आप लोगों के मिलते नहीं है। ये एक चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है, ये नेगेटिव ही होती है। फिंगर शॉर्ट है, तो क्विक डिसीजन लेना, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन लेना और उसको कोई भी काम आए इनके हाथ में, उसे जल्दी से कम्प्लीट करना, ये इन लोगों की नेचर होती है। माउंट की अगर बात करेंगे तो सारे के सारे माउंट हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, जगह अच्छी मिल रही है, फाइनेंशियली साउंड रहेंगे। ये तो चीज़ हमें देखने को मिल गई। चलिए हम लोग इंक वाले पाम में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो मरकरी माउंट में देखेंगे बहुत सारी खड़ी लाइन है, बहुत सारी हम लोगों को खड़ी लाइन दिखेगी। ऐसे लोगों की इंटेलिजेंस, एनालिसिस पावर, राइटिंग एबिलिटी, क्लर्क है तो राइटिंग का काम ही इनको करना पड़ता है, चाहे कंप्यूटर में करे, हैंड राइटिंग करे, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन का जो काम होती है, ऐसे लोगों को ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का काम भी बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, किसी भी चीज़ की एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी वो भी कर सकेंगे, ठीक है। और बुद्धि भी इनकी काफ़ी अच्छी रहती है। तीसरी चीज़, यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ देखने को मिल रही है। देखिए मरकरी की लाइन को देखिए, लाइफ लाइन से आ रही है और इस तरीके से आ रही है। ये क्लियर कट लिवर लाइन है, क्लियर कट लिवर लाइन है। इन्होंने एक सवाल पूछा है कि मैं हेल्थ वाइज अच्छा रह पाऊंगा कि नहीं। देखिए आपकी पाम में लिवर लाइन, लिवर लाइन क्या है, जब भी लाइफ लाइन से मरकरी लाइन आए वो लिवर लाइन हो, लिवर लाइन हो जाती है। जब भी लाइफ लाइन से मरकरी लाइन आए, मरकरी की तरफ जाने वाली लाइन, अगर वो अच्छी भी है, बिना टूटी हुई है, स्ट्रॉन्ग है, तो भी नेगेटिव हो जाती है हेल्थ के लिए। और अगर टूटी है इस तरीके से जैसे आपके पाम में है, तो इसे समझ लीजिए कि डबल या ट्रिपल नेगेटिव है आपके हेल्थ के लिए, लीवर के लिए, पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम के लिए। और अगर आप शराब पीते हैं, किसी भी तरीके का अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो मैं क्या, डॉक्टर क्या, कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। ये डेंजरस लाइन होने के बावजूद ये अगर शराब पीते हैं, ठीक है ना, तो कोई भी इनको बचा नहीं सकता है। सिर्फ शराब नहीं, ऐसे लोग अगर एडिक्टेड है, जैसे कि किसी ड्रग्स का एडिक्शन है, नींद की जो दवाई होती है, गोली होती है, वो लेते हैं कोई लोग, कुछ लोग जो सोने के लिए लेते हैं कि नींद नहीं आती है तो ले लेते हैं, शुरुआत में तो वैसे ही ले लेते हैं, बाद में एडिक्टेड हो जाते हैं। तो इस तरीका भी का भी जो एडिक्शन आप कंज्यूम करते हैं, शराब तो डायरेक्टली लीवर को इम्पेक्ट करता ही है और लीवर लाइन भी आपकी पाम में है, तो आपको अगर आपको किसी भी तरीके से जो है शराब को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। इसकी एक रेमेडी है जो मैं इनको, अगर ये चाहेंगे तो मैं इनको दे दूँगा। उससे क्या होती है कि जो नशा है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, एक रेमेडी है, अच्छी बात यह है कि है। सन माउंट को देखेंगे, देखिए सन की जो लाइन है वो यहाँ से इस तरीके से जा रही है, काफ़ी अच्छी सन लाइन है। डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ये फेथ लाइन को टच कर रही है, तो काम की जगह पे इनका फेम रहेगा, ठीक है। इसके कारण हम लोग देख सकते हैं कि इनको प्रमोशन भी मिली है, ठीक है, बड़ी पोस्ट पर ये जा भी चुके हैं। तो ये इस लाइन की बदौलत है कि सन लाइन आपके पाम में स्ट्रॉन्ग हो तो कैरियर में आपको फेम मिलती है, बड़ी पोजीशन ज़रूर मिलती है जो इनके है। यहाँ पे हमें फ़िश की फॉर्मेशन भी देखेगी, छोटी छोटी काफ़ी सारी फ़िश की फॉर्मेशन इस सन माउंट में है, जिनके द्वारा या जिनके कारण क्या होगी, इनको
सक्सेस मिल पाएगी, पैसे आएंगे, फेम भी आएगी। और अभी तो 49 इयर्स एज है, तो अर्ली एज में भी इनको बहुत अच्छा सक्सेस ज़रूर मिला होगा इसके कारण से। और उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइफ अभी तक तो मतलब शुरुआत से, कैरियर की शुरुआत से लीड कर चुके हैं, ठीक है, अच्छी ज़िंदगी। क्योंकि ये सारे फिश साइन है, सन लाइन है, ये ज़रूर देगा आपको एक बहुत बड़ा अच्छा सक्सेस। सन माउंट में एक बड़ा सा स्क्वायर है जो क्या बताती है कि आपका कामकाज फैलेगा। आप चाहे एक ऑफिस में बैठ के काम करें लेकिन उसकी रिजल्ट बहुत दूर दूर तक जाएगी, हो सकती है कि विदेश में भी उसका इफेक्ट हो, ठीक है ना। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर ऐसे पोस्ट पे या ऐसी जगह पे आप काम करते हैं, ऐसे ऑफिस में आप काम करते हैं जिसका इफेक्ट आपका किया गया काम का इफेक्ट बहुत दूर दूर तक जाएगा। चलते हैं बाकी माउंट की ओर, सैटर्न माउंट को देखते हैं। तो सैटर्न माउंट को अगर हम लोग देखेंगे तो सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। सैटर्न में किसी भी तरीके का नेगेटिव मार्किंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। सैटर्न की यहाँ पे भी फिश की फॉर्मेशन है जो दिखाती है धन की आपूर्ति आपकी होती रहेगी, ठीक है, धन आपके पास होता रहेगा। और लेट एज में आफ्टर 52 इस एज के करीब आते ही आपके पास धन जमा होना शुरू हो जाएगा। आपकी एज 49 है तो 2-3 साल का और आपका थोड़ा टफ टाइम रहेगा फाइनेंशियली। उसके बाद ये फिश साइन के कारण आपको अच्छा आप धन जमा पर कर पाएंगे, उसकी एंजॉय भी कर पाएंगे, जो भी आपकी मनोकामना है उसको पूरा कर पाएंगे। यहाँ पे हमें दूसरी पिक्चर में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे धन रेखा भी है, तो जब भी धन की ज़रूरत होगी किसी ना किसी तरीके से आप धन जुगाड़ कर पाएंगे, ठीक है। धन के कमी के कारण कोई भी काम आपका रुका नहीं रहेगा, ये हमें यहाँ से देखने को मिल जाएगा। जुपिटर और सैटर्न के बीच में पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा उग्रापन है, जिनके कारण क्या होती है रिलेशनशिप में तनाव रहती है, रिलेशनशिप को यही लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे देखेंगे सलमन रिंग है, काम के प्रति निष्ठावान, धर्म के प्रति निष्ठावान ऐसे लोग होते हैं। चलते हैं दूसरे फिर से हम लोग इस इमेज के ओर। तो मंगल माउंट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं, जगह भी बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है, तो ठीक ठाक रहेगी। एनर्जी लेवल, इम्यून पावर आपका नॉर्मल रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं। हाँ, वेनस स्ट्रांग है, तो ऐसे लोग सुंदरी के पुजारी होते हैं, ठीक है ना। वेनस माउंट इनका काफ़ी स्ट्रांग है। देखिए इनके वेनस माउंट में मूल है, दिखा आपको कौन सी कलर का मूल है, रेड कलर का मूल है। और मैंने कल ही एक वीडियो डाला था कि रेड कलर के अगर मूल हो आपके किसी भी माउंट के उसका इफेक्ट नहीं आएगा, इनका भी इफेक्ट नहीं आया। इनका बेटा है, ठीक है, वो थोड़ा बीमार है लेकिन हल्के सिचुएशन में, लेकिन ये रेड मूल जो है वो आपके संतान प्राप्ति के लिए बाधा नहीं डालती है। मैंने कहीं पे देखा था कि रेड मूल का भी वही इंटरप्रेशन निकलता है लोग जो ब्लैक मूल का, ठीक है, तो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, रेड मूल का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आती है। तो वेनस स्ट्रांग है, ऐसे लोग लग्जरी लाइफ लीड करना, थोड़ी शौकीन रहना पसंद करते हैं, आर्ट किसी भी तरीके का कला अगर ये सीखते हैं तो उसमें माहिर होते हैं, चाहे किसी भी तरीके का कला हो ये लोग बहुत अच्छे सक्सेस अचीव कर सकते हैं। चंद्रमा माउंट बहुत बड़ी और बेहतर है, जिनके कारण इनकी इमेजिनेशन पावर और थिंकिंग एबिलिटी काफ़ी क्लियर रहेगी, ठीक है। ऐसे लोगों की क्रिएटिव लेवल भी, क्रिएटिवेशन भी बहुत हाई रहती है। चंद्रमा है मन के कारक है, तो चंद्रमा के कारण क्या होती है, हम लोग की जो इमेजिनेशन पावर है उसकी प्योरिटी आती है। चंद्रमा अगर अच्छा हो, हम लोग जो क्रिएशन में जाते हैं उसकी प्योरिटी आती है, थिंकिंग में प्योरिटी आती है, ठीक है। ऐसे लोग अच्छे लिख पाते हैं, अच्छे राइटर बन सकते हैं, जो भी दूसरों के बारे में अच्छा सोचना है वो सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हमें यहाँ पे चंद्रमा माउंट में देखने को मिल रही है। बात करेंगे मेन लाइंस की, मेन लाइन की फॉर्मेशन ठीक ठाक है। हार्ट लाइन में हमें थोड़ा डिस्टर्बेंस दिखी, यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन है दिखेगी आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारे लाइन फॉल हो रही है जिसके कारण रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस, बहुत सारे लाइन देखिए, बहुत सारे लाइन जो है फॉल हो रही है जिसके कारण रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस। माइंड लाइन छोटी है, गवर्नमेंट जॉब मिली है, देखिए बहुत सारे लोग ये इंटरप्रेट कर लेते हैं मेरे एनालिसिस से, सर मेरी माइंड लाइन छोटी है तो क्यों मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, मिलेगा क्यों नहीं। भाई कोई भी पाम ये नहीं बताता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताते हैं कि आपके जॉब की जो कंडीशन है वो किस तरीके का होगा। जनरली हम लोग गवर्नमेंट जॉब कैसे ढूंढते हैं, मैक्सिमम जो गवर्नमेंट जॉब कैसे होते हैं, एक ही ऑफिस में हम लोग जाते हैं, वहीं पे नौकरी मिलती है और वहीं पे हम लोग काम करते हैं। तो उसके लिए उस तरीके का परमानेंट जॉब जो एक ही जगह पे आप करेंगे उसके लिए हमें माइंड लाइन लंबा होना ही चाहिए, ठीक है। माइंड लाइन लंबा होते हुए क्या प्राइवेट में काम नहीं करते, करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे भी करते हैं वो लंबे समय तक करते हैं। इवन उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है कहीं और जगह पे नौकरी करने, नौकरी पा भी लेते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते किसी ना किसी कारण से, दूसरी अपॉर्चुनिटी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं।
लेकिन अगर माइन लेंथ छोटी है तो आपका जॉब, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपका ट्रांसफरेबल जॉब होगा, आपको यहाँ वहाँ घूमना पड़ेगा, ठीक है, जॉब के खातिर हो या फिर आपका ऑफिस चेंज होने के कारण हो, किसी ना किसी तरीके से आपको घूमना ही पड़ेगा इधर उधर, ठीक है, कहीं पे 2 साल कहीं पे 3 साल, इस तरीके से ट्रांसफरेबल जॉब रहती है। किसी का ट्रांसफ़र बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, किसी की बहुत लेट होती है, मतलब वो जो जॉब का टाइटल रहेगा वो ट्रांसफरेबल रहेगा। दूसरी चीज़ है, अगर आप प्राइवेट में जॉब करते हैं और आपकी छोटी माइन लाइन है तो आप लोगों को क्या होगी, आप लोगों को जॉब चेंज होता रहेगा, टाइम टू टाइम आप जॉब चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे आपको निकाला दिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में इस तरीके का होता नहीं है, इसलिए ये लोग कर पाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब आसानी से जाती नहीं है जब तक कि अपना कोई क्राइम कर ले, ठीक है। लेकिन प्राइवेट में मन आए तो भैया जाओ तुम कल से मत आना, इस तरीके का बात होती है। इसलिए उन लोगों को अगर जॉब नहीं चेंज करता है छोटा माइन लाइन वाला प्राइवेट जॉब, तो उनका जॉब चली जाती है। अभी लाइफ लाइन की बात करेंगे, ठीक ठाक है लाइफ लाइन, लाइफ लाइन की बनावट भी ठीक है, यहाँ पे आके फेथ लाइन में मिल रही है, दोनों एक साथ चल रही है, उसके बाद लाइफ लाइन राउंड शेप में अंदर की तरफ आ रही है। देखिए लाइफ लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिक्कत है आपकी यहाँ पे मरकरी लाइन में, तो मरकरी लाइन डिस्टर्ब है, लाइफ लाइन से टच हुआ हुआ है, जो हमें बताती है कि आपके जो है लीवर लाइन वो नेगेटिवली पावरफुल है, जिनके कारण आपको कभी भी शराब नहीं पीनी चाहिए, किसी भी मेडिसिन ऐसा नहीं लेना चाहिए जो लॉन्ग टर्म लेते रहें, जैसे कि शुगर की हो, आपका नींद की दवा हो, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसी दवा होती है जिसकी साइड इफ़ेक्ट हो जाती है लंबे समय लेने के बाद, जनरली 3 लोगों को होने का जो चांसेस है बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये पॉइजन करते हैं शरीर में, लीवर और डाइजेस्टिव जो सारे सिस्टम है ना हम लोगों की, वहाँ पर ये डैमेज करती है ये लाइन, तो सावधान रहना चाहिए। अभी इनके सवाल की ओर चलते हैं। सवाल इनका जो मेनली है कि इनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इस कारण से कि इनके बेटे के बीमार, इनके बेटे जो है, बच्चे जो है वो बीमार है, जिनके कारण इनके 12 लाख से प्लस इनका लोन हो चुका है, और ये उनका ओरी है कि मैं फाइनेंशियली फिट रह पाऊँगा कि नहीं, और मैं मेडिकली फिट भी रह पाऊँगा कि नहीं, फाइनेंशियल करियर आगे चल के कैसा रहेगा, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा पैसे आपका खर्च हो रही है, लोन हो रही है, मतलब जितना जमा पूंजी हो तो खर्च हो ही चुका बीमारी के कारण, उसके बाद भी आपके ऊपर अगर बड़ा लोन है तो आप फाइनेंशियली तो कमज़ोर हो ही चुके हैं, ठीक है ना, तो इतना ज़्यादा अगर कमज़ोर हो, चाहे आप कितनी कोई भी नौकरी करें, कितनी भी स्ट्रॉन्ग नौकरी करें, तो फाइनेंशियल ओरी तो आनी ही चाहिए, आ भी जाती है लोगों के पास। तो क्यों हो रही है, इसका हम लोग यहाँ से समझते हैं। देखिए इस फेथ लाइन को देखिए, अगर हम लोग फेथ लाइन को देखेंगे ना, तो ये फेथ लाइन हमें क्या दिखा रही है कि लाइफ लाइन से आया, इनको कंफर्ट जोन दिया, इन्होंने कंफर्ट जोन, इन्होंने नहीं लेकिन इनकी हालात सिचुएशन ने इनको तुड़वा दिया और इनको अच्छी जॉब मिल गई, कंफर्ट जोन की कहानी ख़त्म हो गई। अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखने को पता चल रही है कि ये जो फेथ लाइन है ये काफ़ी हल्का है यहाँ तक, उसके बाद ये लाइन टूटा हुआ है और फिर टूटते टूटते इस तरीके से छोटी छोटी लाइन बन के ये जो है ये लाइफ लाइन चल रही है। तो ये जो सॉरी ये फेथ लाइन चल रही, जब इस तरीके का फेथ लाइन चल रही हो तो ऐसे लोगों का जॉब, अगर नौकरी करते हैं प्राइवेट में करते हैं तो जॉब चली जाती है बहुत सडनली, मतलब तुरंत तुरंत जाती रहती है, वो एक नौकरी पाया, 4-5 महीने या 1 साल किया, नौकरी चली गई, या उन्होंने कुछ हुआ उन्होंने छोड़ दिया, किसी भी तरीके से हो, आपके जॉब में भी बीच में गैप होता रहता है, छोटी छोटी करके आप काम करते हैं और छोटी छोटी करके आप पैसे कमाते हैं, उस तरीके का इंडिकेशन बन जाती है जब इस तरीके का फेथ लाइन हो। इनका है नहीं, तो इनका है नहीं क्या हुआ, इनके क्योंकि इनकी गवर्नमेंट जॉब है तो और ट्रांसफरेबल भी है, गवर्नमेंट जॉब है जिसके कारण ये फेथ लाइन वहाँ पर डैमेज नहीं कर पाई, लेकिन फाइनेंशियली कर दी, डायरेक्टली नहीं कर पाई लेकिन इनडायरेक्टली इनके बच्चे के जो सेहत है वहाँ पे हानि हुई, और जिनके कारण इनका फाइनेंशियली जो सिचुएशन है वो ख़राब हो गई। मतलब अगर आपका नौकरी ना रहे या बीच बीच में मिलता रहे और जाती रहे तो भी आपके क्या होगी, फाइनेंशियली ओरी ही होगी, और नौकरी है और कहीं पर आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, लोन भी ले रहे हैं, तो भी आपका फाइनेंशियल ओरी ही होगी। इस लाइन का काम ही था आपको फाइनेंशियली ओरी करना, जो इन्होंने किया। इनको क्या सुझाव है मेरी, एक तो चीज़ ये है कि कभी भी ज़िंदगी में भूल कर भी किसी भी हालत में किसी भी सिचुएशन में जॉब मत छोड़िएगा, चाहे आपका ट्रांसफ़र किसी दीहर एरिया में हो जाए जहाँ पे आप जाना ही नहीं चाहते हैं, कोई भी इंसान ना भी रहे,
ठीक है ना, तो भी आप नहीं छोड़ेंगे जॉब, जो भी बोलेगा आपका ऑफिस आपको करने के लिए आप वो करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन की सिचुएशन है ये बताती है कि ये बस मौका ढूंढ रहा है, ठीक है ना, किसी तरीके से आपका जॉब चली जाइए, आप जॉब छोड़ दें तो ये अपना काम जो है 100% कर पाए, आपको 100% फाइनेंशियली एकदम दिवालापन आपका घोषित कर दे और तो ये इस लाइन का पर्पस ख़त्म हो जाए, ठीक है ना, वो इसी करके खुशी होगा। इंसान की लाइन इंसान के अच्छाई के लिए होता है या ख़राब के लिए तो पता नहीं, लाइन ही है जो हम लोगों को ज़िंदगी में खुशी भी देती है, गम भी देता है, किसी किसी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाती है, किसी किसी की ज़िंदगी में बहुत सारे गम, क्यों लाती है, क्या लाती है, किस लिए होती है, ये सब कुछ हम नहीं जान सकते हैं तो जानने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन जो है वो हम रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं, रेमेडी मैं आपको दे दूँगा, रेमेडी करिएगा, उससे थोड़ी बहुत आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सुधार आएगी, थोड़ी बहुत ही आएगी, बहुत ज़्यादा बेहतर तब तक नहीं आएगी जब तक कि ना आपका 52-53 ईयर्स एज हो और ये फिश की फॉर्मेशन एक्टिव हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं आप, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा आपकी मेंटल स्ट्रेस ख़राब हो रही है, आपकी इमोशन भी ख़राब है, वो हमें पता चलती है जब हम आपकी लाइफ लाइन को देखती हैं, एक सीधी लाइफ लाइन है, ठीक है ना, जो कमज़ोर होती है। दूसरी बात, इस राहु लाइन को कट के देखिए, लाइफ लाइन में कॉन्टीन्यूअस राहु लाइन की कट है, ठीक है ना, आज से नहीं, बहुत पहले से, बहुत पहले से है, 30 इयर्स के करीब से है, अभी तक चल रही है, ये सारे जो लाइन की कट है करीब करीब हमें जो देखने को मिल रही है 50-55 तक ही है, 50 तक ही है, 55 भी नहीं जाएगा, ठीक है ना, देख लेते हैं थोड़ा, हाँ मैक्सिमम आपका 50 तक ही जाएगा, तो 49 इयर्स तो हो ही चुकी है, 1-1.5 साल आपकी लाइफ लाइन के कारण और इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी घटता जा रहा है, जितना आपने सहना था सह लिया, ज़्यादातर आपने सह ही लिया, आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, मतलब वो कुछ नेगेटिव हो जाए या पॉजिटिव हो जाए वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूर होगा जिनके कारण मेंटली इमोशनली आप रिलीफ ज़रूर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो लाइफ लाइन है फेथ लाइन के साथ चल रहा है, बाकी आगे चल के भी ये चल रही है, वहाँ पे किसी भी तरीके का राहु लाइन की बार या किसी रॉन्ग मार्किंग, जॉब साइन हो, कट साइन हो, ठीक है, क्रॉस साइन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसे कंटिन्यू करना चाहिए था तो राहु लाइन के बाद ये इस तरीके का कट दे देता, जॉब साइन दे देता, तो हम लोग कह सकते थे कि कंटिन्यू करेगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आगे की ज़िंदगी इनकी ओडीलेस रहेगी, मतलब कम चिंता रहेगी, इतनी ज़्यादा चिंता इनकी रहेगी नहीं जितना इन्होंने करीब करीब 30 ईयर्स एज के करीब से सह चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे कंडीशन होती है, बस एक ही कारण नहीं होता है, कभी फाइनेंशियली हो जाए, कभी फैमिली में किसी की मौत आ जाए, किसी की हेल्थ इश्यूज हो, ठीक है ना, बहुत सारे चीज़ फाइनेंशियल हो सकती है, नौकरी पाने की समस्या हो सकती है, शादी के कारण हो सकती है, कि इमोशनल आप कमज़ोर बना देती है, जो भी सारे ज़िंदगी में हम लोग होते हैं वो सारे राहु लाइन दे सकती है, या राहु लाइन से वो सारे चीज़ों की हमें इंडिकेशन मिलती है। तो ये है हमें राहु लाइन जो इनके पाम है, तो इनका पाम का ओवरऑल यही है कि प्रॉब्लम आपका बीतेगा, टाइम थोड़ा लगेगा और फाइनेंशियली आप ठीक ठाक हो जाएंगे जब आपकी फीस साइन एक्टिव होगा, लेकिन जब तक नहीं होती है, अभी भी तीन साल तो मिनिमम है, 59 है तो 52 आते, 49 है तो 52 आते 3 साल, तो वहाँ तक तो आपका प्रॉब्लम रहेगा। इसकी रेमेडी मैं बता दूँगा कि उससे क्या होगी कि धीरे धीरे करके जो है आपका ये प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन आपके पास आता रहेगा, प्रॉब्लम तो जाएगा कहीं पे नहीं लेकिन सोल्यूशन आता रहेगा, और एक फिजिकली आप मेडिकली आप फिट रह पाएंगे कि नहीं ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एक बिना अल्कोहल छुए रहिएगा, अल्कोहल का टच भी नहीं करिएगा, किसी भी तरीके का एडिक्टेड मेडिसिन भी लेना आपके लिए ख़तरनाक है। दूसरी चीज़, आपको फिजिकल एक्टिव भी होना है, मतलब एक्सरसाइज वगैरह करिए, घर में हो सके घर में करिए, जिम में ज्वाइन करिए, कहीं पे भी करिए, लेकिन फिजिकली एक्टिव रहिए, ठीक है। ये 2-3 चीज़ करेंगे आप मेडिकली भी काफ़ी फिट रहेंगे, और उसके बाद आपकी जो लाइफ लाइन है वो तो हमें ठीक ठाक देखने को मिल ही रही है। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।